18वीं लोकसभा के लिए फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जनता को वोट डालने की अपील की है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। दोनों राज्यों की एक एक लोकसभा सीट पर साथ में वोटिंग हो रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों यानी मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग होगी। वहीं अब अगले चरण यानी दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। इसी फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन 3 दलों के बीच ही हुआ था। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष, 333 महिला कैंडिडेट्स हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में है। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे।